दो मिनट देना भाई लोग, अपना ईयरफोन जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है लगता है। ठीक होगा तो आई होप आप लोग को आवाज समझ में आ रही होगी। और आज हम लोग करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे माँ को, कि माँ तो माँ होती है और वो हर जगह होती है, तो ग्राफ में भी एक माँ होती है, उनको बोलते हैं वर्टेक्स की माँ। ठीक है, तो ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होते हैं उनकी एक माँ होती है, और माँ का क्या रहता है, क्या रहता है, माँ हर जगह होती है। आप माँ से उसके बच्चे को, माँ अपने बच्चे को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। ठीक है, तो ये भी कुछ उस तरीके का ही काम है कि समझ लीजिए ये आपकी 012 है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 012, ओके, 2 से भी आप 10, तो हर इस नोड से अगर आप सब नोड जा सकते हैं तो वो आपका मर्डर वर्टेक्स हुआ। तो इसमें तीनों ही एक दूसरे के माँ है, समझ जाओ। बट इसमें अगर आप देखोगे तो आप 0 से 1 तो जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो, लेकिन वापस नहीं आ सकते। सिमिलरली 1 से 2 जा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बट 3 से आप 0 भी जा सकते हो, 1 भी जा सकते हो, 2 भी जा सकते हो, 3 से 1 भी जा सकते हो, 2 भी जा सकते हो। तो इसमें मदर वर्टेक्स जो हुआ, जो माँ हुई, वो हुई 3। तो ये अब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फाइंड आउट करने के लिए एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट एल्गोरिदम होता है, वो होता है। उसमें क्या करते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली अपना एक विजिटेड एरे लेते थे, वो लेते हो, उस पर आप DFS चलाते हो। अब थ्योरी ये है कि लास्ट वर्टेक्स वही होगा जो लास्ट में जाके DFS इसको ट्रू करेगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि सब कुछ तो उसके पहले ट्रू हो चुके होंगे, सभी DFS आके जाएगा। DFS का फंडा क्या है, DFS कंटिन्यू तभी करेगा, आखिर तक तभी पहुंचेगा जब उसके पहले वाले सब ट्रू हो रहे हैं, है ना, अदरवाइज तो वो नोड पे जाएगा ही नहीं। तो अब हम उस लास्ट वर्टेक्स को लेके उस पे एक बार इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस वाले पे सब कुछ सही है, मतलब ये वर्टेक्स सही है। पहले निकालेंगे, फिर एक बार और रन करेंगे। अगर ये रन करने के बाद सारे वर्टेक्स में ट्रू 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 आया तो मतलब यही अपना बंदा है। ये जो एक्स मतलब ये जो चीज है, ये आप मोस्टली आपको मिल रहा है कि आप देख सकते हैं फॉर वन, इफ देयर आर मल्टीपल्स देन आल्सो विल ट्राई टू फाइंड आउट, राइट। अगर मल्टीपल मदर वर्टेक्स है तो क्या करेंगे, तो बेसिकली आप हम उसको बार बार लेंगे और रूप चला काम करेंगे। बट राइट नाउ हम बात करते हैं सिर्फ एक की। तो हमारा ये ग्राफ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने यहाँ पे ये मेथड बना लिया है। और अब मेथड बनाने के बाद पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि भाई जरा मेहमान नवाजी करा के आते हैं, ठीक है, और ये जो होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम एक इसको क्या कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप ही हो सब कुछ हमारे, है ना, लास्ट वर्टेक्स 0 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम पूरे वर्टेक्स में घूमर घूमर खेलेंगे, ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे कि अगर मैं कहूं कि ये घूम के नहीं आया हुआ है तो आप जाइए और मुझे DFS, ये DFS बनाएंगे, मैं तो डरो मत। इसमें हम डालेंगे ग्राफ, हम डालेंगे वर्टेक्स और डालेंगे अपना विजिटेड एरे, और उसके बाद क्या कर देंगे, ये जो लास्ट वी है उसको आई कर देंगे कि अगर ये पूरा घूम के मिल चुका है तो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया वो तो आगे समझ में आ जाएगा। हम बस लास्ट विजिटेड में आई कर रहे हैं, ये पूरा इससे बाहर निकलेगा तो अपने को एक मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि DFS तभी टूटेगा जब अपने को सब कुछ मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हम हमेशा की तरह इसको करंट वर्टेक्स मान के चलते हैं, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न तो अपने को अभी करना है, बट पहले अपन DFS में खेलते हैं, ठीक है, वो रिटर्न अपन करा देंगे, आपको चिंता मत करो। तो अब हम क्या करेंगे, DFS में जैसे हम लोग काम करते हैं भाई, करंट वर्टेक्स को हम बोल देंगे हाँ भाई मैं आ चुका हूँ, तू आ चुका है यहाँ पे। फिर हम अपना सिंपल वाला काम करेंगे जो अपन करते हैं, जो अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले के वीडियोस तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्लीज ये प्लेलिस्ट के चैनल्स के इसके वीडियोस देख लीजिए, बहुत सिंपल
भाषा में हम लोगों ने बताया है। ठीक है, इतना हो गया। अब करेंगे हम लोग जी डॉट एडजेसेंसी लिस्ट करेंगे, ऑफ करंट वर्टेक्स करेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू नल करेंगे, तो जाएगा टेम्प में जी डॉट एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट वर्टेक्स। ठीक है, डॉट हेड नोट, ये हो गया। अब सिंपल सी वाइल जब तक सूरज चांद रहेगा टेम्प भाई का नाम रहेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये वाला बंदा ऑलरेडी आ चुका है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे चला के चुपचाप। ठीक है, चला के चुपचाप, नहीं तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि हम बोलेंगे भाई इसको करो ट्रू, फायदा होता है। अभी कर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता है, हालांकि मानता हूँ वो थोड़ा सा आपको कोडिंग सिखाना है ना, तो ठीक है। अब ट्रू करने के बाद तुम भी तो करो अपना काम, है ना, यही तो रिकर्सन है, तुम भी तो करो अपना काम, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? देखो इसमें अपन इन दोनों के बदले सिंपल ना इसको नीचे डाल सकते थे, वैसे ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटाने के बाद चलो ठीक है, इफ यार समझ गया ना, वरना यहाँ पे इफ लिख के वो करके अपन कर सकते हैं, अभी करते करते याद आ रहा है। तो ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं है, डीएफएस करता रहेगा। डीएफएस बंद तभी होगा जब हमारा पूरा नोड विजिटेड हो जाए। अगर विजिटेड है ऑलरेडी तो ये काम करेगा, नहीं है तो ये काम करेगा, लेकिन भैया वो नोड भी आने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जितने एडजेसेंसी लिस्ट होगी उतने में ही काम चलेगा। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब हमको ये मिल गया। ये जाने के बाद जिसके लिए हम लोगों ने लास्ट वर्टेक्स जो हम लोगों ने किया था वही हम लोग को रहेगा। हमारा क्या बोलना है कि दिस थ्योरी दैट लास्ट वर्टेक्स विजिटेड इन द रिकर्सिव डीएफएस विल बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वर्टेक्स हम निकालने हैं आई। अगर कब, अगर ये ट्रू नहीं है तो लास्ट वर्टेक्स आई है, अगर ये फॉल्स है तो, अगर ये ट्रू है तो जो पुराना वाला लास्ट वर्टेक्स था वही रहेगा। ठीक है, डीएफएस यही है ना भाई, जब तक सब कुछ ट्रू नहीं करेगा तब तक वो आएगा नहीं वापस, या तो दो तीन टोक छूटता रहेगा। तो ये हो गया। अब हम इसमें से करते हैं अपना लास्ट वर्टेक्स का। अब क्या करेंगे, अपन फिर से बोलेंगे हमारा काम हो गया है भाई, आप एक काम करो, आप एक काम करो, अरे स्टार्ट फिल में जाओ और ना मेरे इस विजिटेड एरे को थोड़ी सी कृपा करके फॉल्स कर दो। ठीक है, अब डीएफएस फिर चलाएंगे। अब किस पे चलेंगे देख, अब एक ही बार चलेगा, किस पे चलेगा? वो चलेगा हमारे रोडा वी, लास्ट वी पे चलेगा। ओके, इससे क्या हुआ, अब हमको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये डीएफएस चल चुका है, इसमें हमको सारे नोट्स हमारे ट्रू हो जाने चाहिए बिकॉज यही हमारा लास्ट वर्टेक्स था। ठीक है, ठीक है, अब अगर विजिटेड हमारा, विजिटेड ऑफ आई हमारा फॉल्स है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो माइनस वन, या तो रिटर्न कर दो लास्ट वीक। ठीक है, या तो अपन एक काम कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग लिया हुआ है तो स्ट्रिंग के बदले हम ले लेंगे इंट, और हमारा काम जो है वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मदर वर्टेक्स रिफ्लेक्टर, एक मिनट रुकेगा। तो ये हमारा काम आ गया। चलो अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, जीरो से वन, वन से टू, थ्री से, ये अपना इसमें मर्डर वर्टेक्स क्या है। तो हम ग्राफ में जाएंगे जीरो पे, वन पे, जीरो पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा।
वन पे जाएंगे तुमको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, टू पे जाएंगे तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम खत्म हो जाते हैं। तो अभी हमारा लास्ट जो है वो वन है, ठीक है। फिर हम वन के बाद जाएंगे टू पे, टू पे हमको कोई मिलेगा ही नहीं, खत्म, ठीक है। नहीं, तो वन पे जाएंगे, वन विजिटर ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम वन को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वन पे सारा देख लिया था। फिर हम टू पे जाएंगे, टू पे भी हमारे पास विजिटर सारे हैं, टू टू इज विजिटेड, तो हमको कुछ नहीं करेंगे। फिर हम थ्री पे जाएंगे, थ्री पे जाएंगे तो हमको जीरो मिलेगा जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। फिर थ्री पे जाएंगे तो हमको वन मिलेगा जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम थ्री को ही लास्ट वर्टेक्स लेके थ्री पे देखेंगे कि अब थ्री से हमको सब कुछ मिल रहा है क्या। तो थ्री पे जाएंगे जीरो, जीरो पे मिलेगा जीरो, जीरो और वन। फिर जीरो के बाद थ्री पे जाएंगे, वन पे जाएंगे वन। तो ये ऐसे करते हुए हमको सब कुछ दिखा देगा। उसके बाद जाके सर्च करेंगे तो हमारा बंधु बोलेगा हाँ तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, यही हमारा वो मदर वर्टेक्स है, ठीक है। तो अपन रन करते हैं चुपचाप, और हमारा मदर वर्टेक्स आ रहा है थ्री। इस पे अपन कुछ भी अंडरस्टैंड डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा तब मैं इसको पोस्ट करूंगा। व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, मतलब है नहीं, डिवीजन हो रहा है। करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड बाय बाय, सी यू इन टुमारो और नेक्स्ट वीडियो।